नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे हिंदी में शिक्षण विधियाँ, और दोस्तों इससे पहले जो आज संस्कृत की 7 बजे लाइव क्लास होनी थी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। मैंने वीडियो पूरा बनाया था करीब 25 मिनट का और अपलोड भी किया, 7 बजे लाइव होनी थी वो क्लास, लेकिन दोस्तों उसमें कोई टेक्निकल इश्यू हो गया, मेरे भी प्रॉब्लम हो गई, मुझे वो पूरी पूरी क्लास दोबारा उसका वीडियो बनाना पड़ेगा फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करना, मैं उस वीडियो को जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये यूट्यूब में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी उस वजह से वो लाइव नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। अपनी 7 बजे संस्कृत की और 9 बजे हिंदी की लाइव क्लास होती है, और हिंदी में अपन कर रहे थे दोस्तों शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में दोस्तों परिचय बता दिया था, और ये मैंने दोस्तों कौशल भी आपको बताए थे, लेकिन बाद में ये कौशल है इनकी एक अलग से मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, डिटेल में करेंगे इनको कौशलों को जब अपन संस्कृत की शिक्षण विधियाँ करेंगे तब। और दोस्तों अपन कर रहे थे व्याकरण शिक्षण की शिक्षण विधियाँ, उसमें अपन ने आगमन विधि कर ली दोस्तों, आज अपन करेंगे निगमन विधि। आगमन विधि का वीडियो नहीं देखा है तो कल वाला आप जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि है ये आगमन विधि की उल्टी है, यानी आगमन विधि में पहले अपन उदाहरण और फिर नियम बता रहे थे, लेकिन इस विधि में क्या होगा, पहले नियम बताया जाएगा और फिर उदाहरण बताया जाएगा। और दोस्तों ये विधि है ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, और जो आगमन विधि थी वो मनोवैज्ञानिक विधि थी, यानी उससे ज़्यादा समझ में आता था, लेकिन निगमन विधि ये अमनोवैज्ञानिक विधि है और ये बड़ी कक्षाओं के जो छात्र होते हैं ना उनके लिए उपयोगी है। मैंने बताया था जो आगमन विधि थी वो छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए, लेकिन निगमन विधि ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यानी यहाँ नियम बता करके सीधा ही बाद में एग्जाम्पल वगैरह दिए जाते हैं, यानी निगमन विधि के ये निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है, यानी पूरी तरह उल्टी है ये। इसमें क्या किया जाता है, शिक्षक पहले नियम बताता है, बाद में उदाहरणों द्वारा उन नियमों का प्रयोग करना सिखाता है, यानी पहले वो नियम बता देगा बाद में उदाहरण देगा और उदाहरणों में उन नियमों को प्रयोग करके दिखाएगा। जैसे आपने साइंस में देखा है ना, साइंस में पहले नियम बता देते हैं बाद में प्रयोग के द्वारा उस नियम को सिद्ध करके दिखाते हैं, ठीक है, वही सिस्टम यहाँ है, यानी पहले नियम बताता है टीचर व्याकरण में और फिर उन नियम को उनकी सिद्धि के लिए उदाहरणों की सहायता से प्रयोग करके उस नियम की सत्यता की यानी उसकी पुष्टि करता है। अब देखिए दोस्तों इस विधि की यदि अपन चरण की बात करें तो इसके चरण कौन कौन से होते हैं, तो इस विधि का पहला चरण होता है दोस्तों नियम या सिद्धांत, यानी सबसे पहले टीचर है वो नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाता है बच्चों को। इस विधि में शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों को नियम या सिद्धांत की जानकारी देता है, यानी नियम या सिद्धांत बताता है सबसे पहले, तो सबसे पहले इसमें आएगा नियम। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो है वो है उदाहरणों पर उस नियम का प्रयोग करना, तो ये थोड़ा दोस्तों नियम नहीं है यहाँ सिद्धांतों का प्रयोग करना या उस नियम का प्रयोग करना, नियम का प्रयोग करना ये हो जाएगा इसका सेकंड चरण। इसमें क्या करेगा, अध्यापक है जो नियम बताया बच्चों को, अब उस नियम का प्रयोग करके दिखाएगा, यानी उसको सिद्ध करके दिखाएगा उदाहरणों के द्वारा। जैसे मैं बता दूं, पहले मैंने नियम बताया कि ए और ए मिलकर आ बनता है, ये दीर्घ स्वर संधि है उसका नियम है, मैंने ऐसे कह दिया, ई और ई मिलकर के बड़ी ई बनती है, ये दीर्घ स्वर संधि का नियम है, मैंने ऐसे बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, उदाहरण दे दूंगा कोई भी, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया, उस उदाहरण में जैसे आ बना दिया मैंने, यानी आ का प्रयोग करके दिखा दिया, तो वो हो जाएगा नियम का सत्यापन करना या नियम की पुष्टि करना। जैसे चलिए एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे ए और ए मिल करके आ बनता है, या आ मिल करके आ बनता है, ठीक है। मानकर चलिए मैंने बता दिया बच्चों को कि ये नियम है दीर्घ स्वर संधि का, अब मैंने मिलाया हिम जमा में आल्य, ठीक है, तो यहाँ मैंने ए और आ ये मिलाकर दिखा दिए कि इनका आ बनेगा और शब्द बन गया हिमालय। और नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट चरण है निरीक्षण या परीक्षण। निरीक्षण परीक्षण एक ही चीज़ है, निरीक्षण का मतलब क्या हो गया, यहाँ विद्यार्थी क्या करेंगे, टीचर ने नियम बता दिया
उदाहरण बता दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, खुद उस चीज़ को अप्लाई करके देखेंगे, यानी विद्यार्थी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इन नियमों या सिद्धांतों का प्रयोग करके देखेंगे और वो देखेंगे क्या सर ने जो बात बताई थी, जो नियम बताए थे और जो एग्जाम्पल बताए थे वो हर जगह अप्लाई होते हैं। अब खुद विद्यार्थी करके देखेंगे, ये तीसरा चरण हो गया निरीक्षण या परीक्षण। नेक्स्ट है दोस्तों, चार नंबर चरण है सत्यापन या पुष्टि। ठीक है, सत्यापन करना या पुष्टि करना। अब क्या करेंगे, विद्यार्थी अन्य उदाहरणों के आधार पर नियम या सिद्धांतों की पुष्टि करना सीख जाएंगे, क्या ये नियम है, ये इस चीज़ की पुष्टि करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निगमन विधि के सूत्र। एक बार आप आगमन विधि की क्लास जरूर लेना, क्योंकि निगमन विधि है, उस आगमन विधि में मैंने बहुत टाइम लगाया आपके लिए, तो ये निगमन विधि है, इसको थोड़ा सा मैं वैसे बढ़िया करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि आगमन विधि आप देख लेंगे तो इसमें आपके कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखिए, निगमन विधि में क्या होगा, आगमन विधि की बिल्कुल उल्टी चलेगी, उसमें उदाहरण पहले था फिर नियम था, इसमें नियम पहले उदाहरण बाद में, यानी पहले नियम बताया जाता है बच्चों को फिर उदाहरण बताया जाता है। ये कठिन से सरल की ओर चलती है, वो सरल से कठिन की ओर चलती थी, क्योंकि नियम है वो कठिन होता है और उदाहरण है वो सरल होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी नियम है वो अज्ञात होता है बच्चों को, उदाहरण ज्ञात होते हैं, तो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, बिल्कुल आगमन का उल्टा चलेगा इसमें सब कुछ। ये देखिए, निगमन से आगमन की ओर चलेगी, यानी नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। मैंने बताया था उदाहरण है वो विशिष्ट होता है, नियम है वो सामान्य होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगी। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी जो नियम है वो सूक्ष्म होता है, उदाहरण है वो स्थूल होता है, तो ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेगी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। मैंने बताया था उदाहरण है वो प्रत्यक्ष होता है और नियम है वो प्रमाणीकृत होते हैं। मैंने बताया था ना आपको, जो भी टेस्ट या नियम बनाए जाते हैं उनकी पहले विश्वसनीयता वैधता, उनको मतलब पहले प्रमाणीकृत किया जाता है, बाद में उनको अप्लाई किया जाता है, तो नियम है वो प्रमाणित होते हैं, यानी प्रमाण होते हैं, और ये प्रत्यक्ष की ओर चलती है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, ये आ गया अपना। अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी नियम है वो अमूर्त होता है और एग्जाम्पल है वो क्या होता है, मूर्त रूप होता है हमारे सामने, यानी हमारे जीवन में घटित होती है वो चीज़ें। नेक्स्ट है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। मैंने पीछे आपको पूरा बताया था कि संश्लेषण होता है वो इकट्ठा करना होता है और विश्लेषण होता है वो तोड़ना होता है, यानी एग्जाम्पल में अपन कोई चीज़ बताते हैं तो उसको तोड़ कर बता देते हैं टुकड़ों में, एक एक चीज़ समझा देते हैं, लेकिन नियम है वो ये कहेगा कि H2O बराबर जल है तो जल है, बस इतना ही है, ये ना तोड़ना ना कोई जोड़ना कुछ नहीं, ये शॉर्ट एंड स्वीट होता है, यानी संश्लेषित होता है नियम, लेकिन उदाहरण के द्वारा हम कैसे ही समझा सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, निगमन विधि के गुण। अब देखिए दोस्तों, निगमन विधि में टाइम कम लगता है, देखिए समय व परिश्रम कम लगता है, क्योंकि यानी नियम ही तो बताना है, लेकिन उदाहरण वाली जो अपनी आगमनात्मक विधि थी उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। नेक्स्ट देखिए, बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है इससे। नेक्स्ट है, यह विधि समस्याओं के हल में गति प्रदान करती है, यानी समस्याओं का हल जल्दी जल्दी मिलता है यदि अपन को नियम पता है तो। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यानी आगमन विधि थी वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए और ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, मैंने बताया था कल आपको। नेक्स्ट देखिए, निगमन विधि के दोष। तो निगमन विधि के दोष, तो दोषों की बात करें तो ये रटने पर बल देती है, यानी नियम रटे ही जाते हैं, नियमों को समझना थोड़ी होता है, समझ में तो वो बाद में आते हैं, उदाहरण है वो समझ में आते हैं, नियम तो रट्टे जाते हैं, तो रट्टन प्रवृत्ति पर बल देती है ये। और यह पूर्णतया मनोवैज्ञानिक विधि है, मैंने बता दिया था आपको। और निगमन विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि अपन रट्टी हुई चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते, और जो समझी हुई चीज़ होती है ना वो याद रहती है ता जिंदगी। तो आगमन विधि है उसमें एग्जाम्पल के द्वारा अपन कोई चीज़ समझाते हैं तो हमारे याद रहती है, और यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये मैंने बताई दिया आपको, क्योंकि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो ये थी दोस्तों अपनी निगमन विधि, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, कल करेंगे अपन आगमन निगमन विधि।